कहानी बिना शरीर वाली चुड़ैल। बंगाल के जादू के कारनामे हर जगह प्रचलित हैं। हमेशा कोई न कोई ऐसा विचित्र जादू देखने को मिल ही जाता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही एक खूंखार घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर रखे थे। बंगाल के मधुबन गांव में एक दिन एक मदारी जादू दिखाने के लिए आता है। उसके साथ एक चमूरा भी होता है। डमरू बजाकर लोगों को इकट्ठा करता है। सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, हम आपको सबसे अलग मदारी का खेल दिखाएंगे। हम आपको ऐसा खेल दिखाएंगे जैसा खेल आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आइए आइए, अपना थोड़ा सा समय निकाल कर आइए। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब खूब सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो मदारी खेल शुरू करता है। आप तो मेहरबान कदरदान, सबको सलाम सबको नमस्कार। भाइयों, खेल तो आपने बहुत देखे होंगे और दो चार रुपए अपनी जेब से दिए भी होंगे, लेकिन खेल देखने में जितना मजा आपको आया था उससे ज्यादा मजा आज आने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, शुरू करता हूँ पहला खेल। तो बच्चों, शुरू करूं? बजाओ ताली। मदारी नए नए जादू दिखाना शुरू करता है। अपनी टोकरी से कभी कबूतर निकालता तो कभी तोता तो कभी खरगोश। सभी बच्चे खुश हो रहे थे कि तभी एक आदमी बोलता है, अरे मदारी, तुमने तो कहा था तुम अच्छा खेल दिखाओगे, लेकिन तुम तो कबूतर और खरगोश का खेल दिखा रहे हो। अगर तुम अच्छा नहीं दिखा सकते तो चले जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, दिखाता हूँ, लेकिन डरना मत। अब मदारी अपने जमूरे को अपने सामने रख कर उसका सिर काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब मदारी चारों तरफ घूम घूम कर लोगों से पैसे मांगता है। सब लोग डर की वजह से पैसे दे देते हैं। तो बताओ बच्चों, जमूरे का सिर जोड़ दूं? सभी लोग हाँ हाँ में जवाब देते हैं। अब मदारी जमूरे का सिर जोड़ने के लिए मंत्र पढ़ता है, लेकिन उसका सिर नहीं जुड़ता। मदारी बार बार कोशिश करता है, लेकिन जमूरे का सिर नहीं जोड़ पाता और अंत में परेशान होकर बोलता है, भाइयों, जिसने भी मंत्र चलाया है तुरंत अपना मंत्र वापस ले ले तो बच जाएगा, नहीं तो मैं मंत्र चलाकर अपने जमूरे को तो बचा लूंगा, लेकिन जिसने मंत्र चलाया है उसका सिर कट जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता और अंत में मदारी बोलता है, तो भाइयों, अब मेरी कोई गलती नहीं होगी, मैं मंत्र चलाने जा रहा हूं। मदारी जैसे ही मंत्र चलाता है तो सामने की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से एक लड़की का सिर कट कर गिर जाता है। लड़की के मरते ही जमूरे का सिर जुड़ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। ये देख सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। सब लोग मदारी को मारने के लिए आते हैं। मदारी, तुमने हमारे इलाके में आकर एक लड़की को मारा है, अब तो भी मरने के लिए तैयार हो जा मदारी। सभी आदमी मदारी और जमूरे को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी लड़की का बाप आता है। रुको, क्यों मारने जा रहे हो इस मदारी को? सर, इसने आपकी बेटी को मार डाला। लेकिन मेरी बेटी भी इस जमूरे को मारने वाली थी। जो हुआ अच्छा हुआ, मैंने अपनी बेटी को बार बार समझाया था कि ये जादू मत सीख, लेकिन मेरी एक नहीं मानी, और उसने जादू सीखा भी तो अधूरा। वह किसी चीज को रोक सकती थी लेकिन उसे खोल नहीं सकती थी। मैंने उसे मना किया था कि इस जादू का इस्तेमाल कभी मत करना, किसी की जान जा सकती है, लेकिन नहीं मानी, आज खुद उसकी जान चली गई। फिर जादूगर लड़की के पापा उस मदारी को कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं, अब जल्दी से यहां से चले जाओ, मैंने तो तुमको माफ कर दिया क्योंकि मैं अपनी बेटी को जादूगर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने बच्चों को जादूगर ही बनाना है, वैसे लोग तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भाग जाओ यहां से। मदारी लड़की के बाप को धन्यवाद बोलकर चला जाता है और बहुत दूर एक गांव में जाकर
अपना घर बनाकर रहने लगता है। अब वो लड़की बिना शरीर वाली चुड़ैल बनकर लोगों को मारने लगती है। जो भी मदारी उस मधुबन गांव में आता तो उसको मार डालती। धीरे धीरे मधुबन गांव में मदारियों का आना बंद हो जाता है। अब बिना शरीर वाली चुड़ैल को उस मदारी की तलाश थी जिसने उसका सिर काटा था। चुड़ैल मदारी की खोज में निकल पड़ती है। चुड़ैल की इस हरकत को हनुमान मंदिर के बाबा समझ जाते हैं कि चुड़ैल मदारी को खोजने के लिए जा रही है, तो बाबा तुरंत इस बात की खबर चुड़ैल के बाप को देते हैं। आपकी बेटी ने जीते जी सबको परेशान किया था और चुड़ैल बनने के बाद यहाँ किसी मदारी को आने नहीं दिया, और आज उस मदारी को मारने जा रही है जिसने उसका सिर काटा था। अब उस चुड़ैल का बाप और बाबा दोनों लोग चुड़ैल के पहुंचने से पहले मदारी के पास पहुंचकर उसको सारी बात बता देते हैं। और बताने के बाद जैसे ही मदारी के घर से निकलने वाले होते हैं कि तभी बिना शरीर वाली चुड़ैल पहुंच जाती है। अच्छा, तो अब तू यहाँ भी पहुँच गया इसको बचाने के लिए। अब तक तो तुझे इसलिए नहीं मारा था कि तू मेरा बाप है, लेकिन अब पहले तुझे मारूंगी, फिर इस बाबा को और बाद में इस मदारी को। इतना कहकर चुड़ैल अपने मुंह से आग उगलती है। बाबा मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर एक घेरा बना देते हैं और उस घेरे में मदारी और चुड़ैल के बाप को बुला लेते हैं, जिससे उनके ऊपर आग का असर नहीं होता। ये देख चुड़ैल और गुस्से से भर जाती है और फिर मुंह से आग निकालती है, लेकिन इस बार घेरे से टकराकर आग सीधे चुड़ैल के मुंह पर लगती है और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है।